सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो वाइट फ्लैग लेकर के बाहर निकल पड़े, ट्रेंचेस से बाहर आ गए थे और वाइट फ्लैग को लहरा रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे, टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मेट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर, I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and hours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hands warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ देखो। जर्मन्स जो थे वो पहले तो वाइट फ्लैग लहरा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने सर के ऊपर से बोटल लहराना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई अंग्रेजों, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स स्टूडेंट्स एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, पीने का एक प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हो आप, जो ग्रेन से बनती है, अनाज से बनी हुई एक सॉफ्ट ड्रिंक। हमारे पास स्नैप्स है और सॉसेज है, ठीक है, हमारे पास मांस का बना हुआ पकवान है, हमारे पास ड्रिंक है, क्या आप लोग हमारे साथ मिलना चाहोगे और क्या हम लोग पार्टी मना सकते हैं जो है क्रिसमस के लिए। कि तभी अचानक देखा गया कि हमारे सैनिक भी मुझसे ठीक बिना इजाज़त लिए ही खड़े हो गए अपने अपने ट्रेंचेस से और उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गए। किसी के हाथ में कोई भी राइफल नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी और हमारे सैनिक और उनके सैनिक दोनों ही जो है बॉर्डर लाइन में आकर के या बाउंड्री लाइन में आकर के मिलने लगे। सबसे पहले मीन्स हमारी तरफ से जो सैनिक आगे गया उसका नाम था लिटिल, वो एक थोड़ा सा बौना व्यक्ति था जिसका नाम था प्राइवेट मॉरिस। ब्रिटिश के साइड से प्राइवेट मॉरिस पहला व्यक्ति था जो खड़ा हुआ और बाकी सैनिकों को बोला कि दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं उन सबका ऑफिसर था, मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि जो हो रहा है उसमें गलत क्या है, उनकी लाइन हमारी लाइन एक ही तो है। और अब हम लोग देखने लगे कि खाकी कोट, ठीक है, उनके जो है ग्रे कोट्स थे, हमारे खाकी कोट्स थे, दोनों ही आकर के बाउंड्री लाइन में मिलने लगे। यहां तक कि मैं भी अपने सैनिकों के पीछे पीछे हो लिया, मैं भी उसका एक हिस्सा हो लिया। स्थिति ऐसी थी कि युद्ध के मैदान में हम लोग शांति स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेटर में जिम कहता है कि मेरे प्यारे कोनी, तुम मेरी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं सकते। उस समय जब मैंने जर्मन ऑफिसर को देखा, जर्मन का जो माने मैं ब्रिटिश ऑफिसर था और जर्मन का जो हेड था, जर्मन का जो ऑफिसर था उसका नाम था हैंस वुल्फ, तो कोनी तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे ठीक से,
मुझे इतनी खुशी हुई मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, जब जर्मन ऑफिसर मेरे पास आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, मेरा नाम है हैंस वुल्फ। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि मैं डसलडॉर्फ नाम के स्थान से हूँ, जर्मनी के डसलडॉर्फ नाम के स्थान से हूँ। बेसिकली मैं सैनिक तो हूँ ही, लेकिन सैनिक होने के अलावा जो मैं काम करता हूँ, सैनिक के अलावा भी मैं कोई जॉब करता हूँ या काम करता हूँ, वो है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिक के बैंड में, म्यूजिक के ग्रुप में, मैं सेलो नाम का एक वायलिन या सेलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। बहुत बहुत बधाई, क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद मैंने जवाब दिया कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी जो है क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। मैं वैसे एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट नाम के स्थान से, डॉर्सेट जो इंग्लैंड के पश्चिमी दिशा का एक शहर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कैप्टन जिम मैकफर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में मैं एक स्थान है जिसका नाम है डॉर्सेट, वहां का स्कूल टीचर हूं। वो मुस्कुरा करके बोला, आह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ट, कोनी हाउ वी टॉक्ट, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेमस सॉरी फेवरेट बुक फार फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ट ऑफ बादशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग इटिंग, हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनिंग ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्रीड, ही एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनिंग। तो जिम ने अपना जो है परिचय दिया, कहा कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, मैं डॉर्सेट नाम के एक शहर से जो इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है एक टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ। उस व्यक्ति ने, हैंस वुल्फ ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा डॉर्सेट, डॉर्सेट को तो मैं जानता हूँ, डॉर्सेट मेरा जाना पहचाना स्थान है। फिर मैंने रम यानी एक प्रकार की शराब उस कैप्टन के साथ या पास वाले ऑफिसर के साथ शेयर की, और ऑफिसर ने मेरे साथ सॉसेज यानी एक मीट का जो है पकवान शेयर किया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, को नहीं बहुत बातें की, पता ही नहीं हम लोगों ने बातें क्यों की, हम तो शत्रु थे, न जाने हम लोगों ने बातें क्यों की, लेकिन हमने बातें की। और हैंस वुल्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली, बातों बातों में पता चला कि वो डॉर्सेट को, उसने वर्बली बोला था कि वो डॉर्सेट को जानता है, लेकिन एक्चुअली उसकी बातों से पता चला कि डॉर्सेट को वो नहीं जानता, वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं है, उसने तो अंग्रेजी जर्मनी की स्कूल में जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में या यू नो मेन लैंग्वेज के रूप में किसी एक लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश कंपल्सरीली पढ़ाई जाती होगी, जर्मनी के स्कूल से उसने इंग्लिश सीखी थी, बाकी वो कभी इंग्लैंड गया नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसके फेवरेट राइटर जो है वो थॉमस हार्डी है, जो कि एक अंग्रेज है, उसकी बहुत ही पसंदीदा किताब जो है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, ठीक है, जो कि एक अंग्रेज के द्वारा लिखी गई है।
हम लोग वहां पर बातें कर रहे थे, हम लोगों ने बैथशेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, सर्जन ट्रॉय के बारे में बात की, डॉर्सेट वो शहर जहां मैं रहता हूं उसके बारे में बात की। ये सब जो बातें हैं ये सारी चीज़ें इंग्लैंड को बिलोंग करती हैं। इन सब बारे में उसने बहुत ही जोश और शौक से बातें की, यानी वो एक जर्मन होने के बावजूद अंग्रेजी चीज़ों के बारे में बहुत जो है शौक से बात किया और उनकी तारीफ़ भी किया। बातों बातों में पता चला कि उसकी जो है वो शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है और एक छोटा लड़का है जो सिर्फ 6 महीने का है। हम मैंने जब अपनी नज़रें घुमा करके देखा तो चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर ही नज़र आए, खाकी कलर के जो है यूनिफॉर्म और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म चारों तरफ नज़र आई। नो मैन लैंड में हम दोनों अलग अलग कंट्री के लोग बैठ करके स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, वाइन पी रहे थे, खा रहे थे। एक गजब की पिकनिक का माहौल हो गया था। हैंस वुल्फ और मैंने एक केक भी शेयर की, एक केक थी हमारे पास जिसको हम दोनों ने शेयर की, मार्जिपन नाम का केक के ऊपर की ओवर कोटिंग, जो केक के ऊपर की ओवर कोट होती है, केक के ऊपर का जो क्रीमी हिस्सा होता है उसको मार्जिपैन भी कहा जाता है। तो मार्जिपैन जो है हैंस वुल्फ को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो। हम लोग लगभग हर बात पर एग्री किए, मतलब लगभग हर बात पर हम लोग अपनी सहमति दिखाए, हर बात पर हम लोग एक दूसरे से सहमति थे, ऐसा हमारी बातों से हमने महसूस किया। ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने जीवन में कभी नहीं की कोनी। हम लोगों ने इतनी बात की जैसे कि हम कभी दुश्मन थे ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कोनी, देखो। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। He saw it too and smiled. Jim MacPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match? No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that. So, Connie, uske baad kya hua suno? उसके बाद न जाने कौन, उनके दल से या हमारे दल से, ये हमने गौर नहीं किया, लेकिन कोई एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि क्यों ना फुटबॉल मैच हो जाए। वो एक फुटबॉल लेके आया था, कोई एक सैनिक फुटबॉल लेके आया कि तभी ग्रे कोर्ट्स के जो बंदे थे उन्होंने अपनी अपनी ग्रे कोर्ट्स यानी यूनिफॉर्म खोल दी और यूनिफॉर्म खोल करके गोल पोस्ट्स बना लिए, यूनिफॉर्म्स का ढेर लग गया गोल पोस्ट्स बनाने के लिए। और तभी उस नो मैन लैंड में हम ब्रिटिश और वो जर्मन्स के सैनिक आकर के गेम खेलने के लिए खड़े हुए, फुटबॉल मैच खेलने के लिए। हैंस वुल्फ और मैं एक दूसरे को देखे और मुस्कुरा करके जो है ताली बजा करके पैरों को पीटते हुए, खुशी से पीटते हुए हम लोग ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि हम लोग की जो सांसें हैं वो एक दूसरे से हवा में जाकर के मिंगल हो रही है, यानी हवा में जाकर के एक दूसरे से हमारी सांसें मिल रही है, ऐसा हमें लगा, ऐसा मुझे लगा, मुझे लगा, हैंस वुल्फ को लगा। और हम लोगों ने ये देख करके, एक दूसरे की तरफ देख करके हम लोग मुस्कुराए। हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफर्सन, फुटबॉल का गेम ही एक ऐसा गेम है जिसके द्वारा हम लोग युद्ध को विराम दे सकते हैं। फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है दोस्त, फुटबॉल मैच में कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, फुटबॉल मैच में किसी की पत्नी विधवा नहीं होती। इस बात का जवाब देते हुए मैंने मजाकिया अंदाज में मैंने कहा, लेकिन दोस्त हैंस वुल्फ, मैं तो फुटबॉल के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा क्योंकि हम लोग क्रिकेट में बेहतर है और टॉमिस
को क्रिकेट में हराना नामुमकिन होता है लगभग। ये बोल करके हम ये मैंने ऐसे एक जोक बोला कि मैं फुटबॉल के बदले क्रिकेट प्रेफर करता हूँ, ये सुनकर के हम दोनों खूब हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से कोनी फ्रिज वॉन 2-1, बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। कैसा गजब का दोस्ती का माहौल क्रिएट हो गया था दोस्त कोनी। तुम इस बात से समझ सकते हो कि जब हम लोगों ने गेम खेली फुटबॉल की, अंततः ये हमारे लिए थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि फ्रिज यानी कि जर्मन्स वो युद्ध जीत गए, मतलब सॉरी वो गेम जीत गए, फुटबॉल वाला मैच जीत गए। जर्मन्स लोगों ने 2 गोल किए, हम लोगों ने 1 गोल किया, लेकिन मैच के अंत में हैंस वुल्फ ने डिक्लेयर किया अपनी दिलदारी, दरिया दिल दिखाते हुए हैंस वुल्फ ने कहा कि जर्मन्स के गोल पोस्ट जो बने हुए थे वो छोटे थे और ब्रिटिश के जो गोल पोस्ट बने हुए थे वो थोड़े बड़े थे, इसलिए दोनों के गोल को बराबर ही माना जाएगा, ऐसा जो है हैंस वुल्फ ने कहा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है। बच्चों ये जो पहला चैप्टर आपको दिया गया है, मैं फिलहाल ये अभी यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके आगे मैं फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों आप देख पा रहे हो कि किस तरह से आदमी अगर चाहे तो दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है। स्टूडेंट्स खेल गेम एक ऐसा हिस्सा जीवन का है जिसके द्वारा हम लोग दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की ताकत रखते हैं। पिछले 2 क्लासेस में, पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने जो पढ़ा इस चैप्टर के बारे में वो यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हुआ था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, उसी से जुड़ी हुई ये कहानी है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइटर जो है